नमस्कार, वीसीएन न्यूज के टॉप 10 में मैं दिशा आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं खबरों की ओर। शेयर बाजार में तेजी, सेंसेक्स 262 अंकों की उछाल के साथ खुला। देश में पिछले 24 घंटे में 208,000 नए केस आए सामने। मंगलवार को रिकॉर्ड 22,27,000 टेस्ट किए गए। 18 जिलों में होम क्वारंटाइन बंद, ठाकरे सरकार का सख्त फैसला, संक्रमित मरीजों को क्वारंटाइन सेंटर में जाना होगा। रामदेव बाबा पर भड़के डॉक्टर, आईएमए ने भेजा नोटिस, 14 दिन में मांगा जवाब। शहर में सुधर रहे हालात, मंगलवार को 470 नए पॉजिटिव मरीज आए सामने, 25 की हुई मौत। ममता का आम बजट 28 को ऑनलाइन सभा में होगा पेश। जिलाधिकारी कार्यालय पर पुलिस का छापा, 4 गिरफ्तार, बैंक डेट में बेच रहे थे स्टैंप पेपर। ब्लैक फंगस के चलते शहर में 3 वार्ड तैयार, मेडिकल में हर दिन बढ़ते जा रहे मरीज। कोरोना के चलते 9 दुकानों को किया सील, एनडीएस दस्ते की गिरी कास, 3 जोन में की गई कार्रवाई। सुपर स्प्रेडर पर कसी जा रही नकेल, अब तक 65,000 से अधिक की हो चुकी जांच, 31,810 की हुई आरटीपीसीआर टेस्ट। बीसीएन न्यूज के टॉप 10 में फिलहाल इतना ही। ऐसी अन्य और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए बीसीएन न्यूज। नमस्कार।